नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और आपका लेसन है 13वां, गति एवं समय। देखो, इस चैप्टर के अंदर अपने गति, चाल, दूरी, समय किसे कहते हैं, इनका मापन कैसे होता है और इनके मात्रक क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले इनका अपने कुछ वस्तुएं अपने जीवन में, जैसे देखते हैं कि फ़ोन, टेलीविज़न, पेड़, ये सारी चीज़ें अपने अपने दैनिक जीवन में या हम पर देखते हैं, तो लगभग अपने को, लगभग अपने खुद के, मतलब ये खुद अपने आप समय के साथ, सुबह अपने यहाँ पे देखा कि पेड़ कहाँ खड़ा था तो शाम को भी पेड़ वहीं होगा, टेलीविज़न यहाँ पड़ा है, अपने को 2-4 दिन बाद देखते हैं तो वही मिलता है, मतलब समय के साथ इनकी दूरी में, इनकी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये चीज़ें क्या है, स्थिर हैं, ये समय के साथ नहीं बदलती, ये चीज़ें क्या रहती है, स्थिर रहती है। इसी प्रकार कुछ चीज़ें अपने देखते हैं, कार, बस, ट्रेन, ये चीज़ें हैं, ये गति करती है और समय के साथ इनकी, मतलब परिवर्तन इनकी स्थिति में होता रहता है कि अपने कार से जा रहे हैं, 5 मिनट पहले अपने कार को यहाँ देखा तो 5 मिनट के बाद वो कार बहुत दूर चली जाती है, मतलब उनके समय के साथ उनकी गति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वो चीज़ें क्या होती है, अस्थिर कहलाती है। जिनकी स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता वो तो क्या कहलाई, स्थिर कहलाई, और जिनमें समय के साथ परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाई, अस्थिर कहलाई। अपने इस चैप्टर के जो उद्देश्य क्या हैं पढ़ने के, कि अपने को इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने को मंद और तीव्र गति में अंतर कर सकेंगे कि कौन सी गति मंद होती है, कौन सी तीव्र होती है, अपने चाल को परिभाषित कर सकेंगे, अपने चाल का मापन कर सकेंगे और इनके मात्रों की को की भी अपनी पहचान कर सकेंगे कि क्या मात्रक हैं। चाल किसे कहते हैं, देखो कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं और इसका जो मात्रक होता है, जो इसका मूल मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट और घंटे, मतलब निकाल तो सकते हैं, ये भी मात्रक ही हैं, लेकिन जो मूल मात्रक है, बेसिक मात्रक है, वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय मतलब किसी, जो भी उसने वस्तु ने दूरी तय की है और जो समय लिया है, दोनों को अपने भाग दे दें तो वो उस वस्तु की क्या आ जाती है, चाल आ जाती है। कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अपने चाल के बारे में पढ़ा, अब देखो मंद और तीव्र गति के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो आपने क्या किया, किसी के पास जा रहे हो, चाहे किसी डॉक्टर, किसी टीचर, ट्यूशन पढ़ने जाना है आपको, उसने टाइम दिया है कि 5 बजे तक आप क्या हो जाना, मेरे पास आ जाना। तो आपने देखा, जिस टाइम आपने घड़ी देखी उस टाइम आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 4:30 का टाइम हो रहा है। तो आपके पास कितना टाइम है, आधा घंटा। कितना टाइम है आपके पास, आधा घंटा है। और यदि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो आपके घर से, उस डॉक्टर की जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर की है। आपके घर से डॉक्टर की जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर की है। और आपके पास टाइम कितना है, 30 मिनट का टाइम है। और यदि आप पैदल जाना चाहोगे तो आप पहुँच नहीं पाओगे, तो फिर आपके पास कितने ऑप्शन बचते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो आप क्या करो, साइकिल लेके जाओ, या फिर आप क्या करो, गाड़ी लेके जाओ। या तो क्या करो, साइकिल लेके जाओ या फिर गाड़ी लेके जाओ। तो साइकिल, अब उस टाइम आपके दिमाग में क्या होगा कि मैं जल्दी थोड़ा जाऊं, मतलब 5 मिनट पहले चाहे पहुंच जाऊं लेकिन लेट ना हूं, तो इसलिए मुझे क्या लेके जानी चाहिए, मुझे गाड़ी लेके जानी चाहिए। तो गाड़ी क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि गाड़ी क्या होती है, जल्दी चलती है, साइकिल के मुकाबले गाड़ी क्या है, तेज चलती है। तो यहाँ पे देखो, 2 वस्तुओं में तुलना की अपने, कि जो साइकिल है उसकी गति कैसी होती है, धीमी होती है, मंद होती है, लेकिन गाड़ी की गति कैसी होती है, तीव्र होती है। तो जो कुछ वस्तुएं हैं वो दूसरी वस्तुओं से क्या करती है, तेज़ गति करती है। तो साइकिल और गाड़ी में से किसकी गति तेज है, आपको समझ में आ गया, गाड़ी की गति क्या है, तेज है, साइकिल के मुकाबले गाड़ी की गति क्या है, तेज है।
मंद, और फिर आप देखो एक ही अपनी चीज़ की बात करें तो देखो अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, जब तो अपने आसपास कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो देखो जब अब वो तो थी दो वस्तुओं की तुलना की अपने, जैसे साइकिल और गाड़ी, आपको पता चल गया कि गाड़ी की गति क्या है, साइकिल के मुकाबले तेज है। लेकिन यदि अपने एक ही चीज़ की देखें, अब गाड़ी को ही ले लो, जब आपको सड़क पर कोई भी ट्रैफिक ना मिले, अन्य साधन ना मिले, तो उस टाइम जो गाड़ी की स्पीड होगी वो कैसी होगी, तीव्र होगी या मंद होगी? तीव्र होगी। लेकिन यदि उसी टाइम, एक टाइम तो मतलब कोई भी आपको व्हीकल नहीं मिल रहा, तो उस टाइम गाड़ी की गति क्या है, तेज है, और दूसरी उसी टाइम आपके जो मतलब साधन है आसपास काफ़ी, तो उस टाइम कार की फिर गति कैसी होगी, मंद होगी, पहले के मुकाबले क्या होगी, मंद ही होगी। तो देखो एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं अपने, अब यहाँ पे समझो इस बात को, पहले अपने क्या कर रहे थे, दो वस्तुओं की तुलना कर रहे थे, पहले अपने दो वस्तुओं की तुलना कर रहे थे, लेकिन इस टाइम अपने क्या कर रहे हैं, एक ही वस्तु की तुलना कर रहे हैं। एक टाइम तो वो जब सड़क पर कोई भी अन्य साधन नहीं है, अन्य व्हीकल नहीं है, एक टाइम वो जब आपके आसपास बहुत सारा ट्रैफिक है, तो उस टाइम गाड़ी कैसे चलेगी, तीव्र चलेगी, और एक टाइम बाद गाड़ी क्या चलेगी, मंद चलेगी। तो समझो इस बात को कि जो एक ही वस्तु कभी भी वो तीव्र गति कर सकती है और कभी भी वो मंद गति कर सकती है, ये उस स्थिति पर निर्भर करता है कि आपके उस समय आसपास की स्थिति कैसी है। तीव्र और मंद गति के बारे में आप समझ गए होंगे। तो देखो इसके लिए एक उदाहरण और दे रहे हैं आपको, जब भी सभी मतलब कोई साइकिल की रेस हो रही है, सभी एक ही लाइन से शुरू करते हैं, कोई भी रेस है, साइकिल की रेस है, चाहे सामान्य दौड़ की रेस है, चाहे गाड़ियों की रेस है, चाहे बाइक की रेस है, तो सभी एक ही टाइम एक ही जगह से शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट तक विजेता तो एक ही होता है। चाहे दौड़ने की रेस हो, सभी दौड़ रही हैं, तो कोई ना कोई तीव्र दौड़ेगा, फिर वही जीतेगा। वही बात यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझाई जा रही है कि एक साइकिल पर कई बच्चे हैं और उनके बीच कोई 500 मीटर की, 100 मीटर की, चाहे कितनी आप मान लो कि रेस हो रही है। ऐसे ही बीसल बजी तो उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया, सभी ने अपना अपना साइकिल को तेज चलाना चाहा, तो उनमें से एक क्या हो गया, आगे निकल जाता है, कुछ टाइम के बाद कोई दूसरा आगे निकलता है, फिर कोई तीसरा, और अंत में क्या होता है, एक क्या होता है, जीत जाता है। वो क्या होता है, एक जीत जाता है। तो वह वस्तु, फिर जीतने का मतलब क्या है, समझो कि वह वस्तु जो एक नियत समय में लंबी दूरी तय करती है, वह दूसरों से क्या है, तेज चलती है। क्योंकि समय तो सभी के पास उतना ही था वहाँ तक पहुँचने में, एक जना पहले पहुँच गया तो फिर वो जीत गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह वस्तु जो एक नियत समय में लंबी दूरी तय करती है, वह दूसरों से क्या है, तेज चलती है। इसके बाद देखो चाल के बारे में अपने पढ़ा था कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल के लिए देखो जो सूत्र था वो भी अपने पढ़ा था कि कुल तय की गई दूरी बटा में समय, ये क्या होता है, चाल का सूत्र होता है। अब देखो कोई दो बाइक हैं, ये एक नंबर और ये दो नंबर। एक नंबर वाला बाइक क्या करता है, एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन दूसरे नंबर वाला बाइक एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो फिर किसकी चाल अधिक है, एक नंबर वाले की या दो नंबर वाले की? आप समझ गए होंगे एक नंबर वाले की, क्योंकि वह समय दोनों के पास सेम है, लेकिन दूरी ज़्यादा तय कौन कर रहा है, एक नंबर वाला, तो उसकी चाल क्या है, अधिक है। अब देखो चाल का मापन कैसे करते हैं, चाल का मापन करने के लिए आप दूरी निकालो और समय देखो, और दोनों में क्या कर दो, दूरी में समय का भाग दे दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। इसके लिए क्या करो कि एक आपने रेखाखंड खींच दी, अपने किसी दोस्त को कहो कि वह एक सिरे से आप रेखाखंड को नाप के खींच दो, कितना भी आपको पता होना चाहिए ये इतना है उसकी लंबाई रेखाखंड की। आप क्या करो, दोस्त को अपने को कह दो कि उस पर वो भागना प्रारंभ कर दे, मतलब एक सिरे से भागना प्रारंभ कर दे। जब वो भागना प्रारंभ करे उस समय आप टाइम नोट करो, और जब वो रुक जाए भागना दूसरे सिरे पर जाकर, तो उस टाइम आप टाइम नोट करो, तो आपके पास समय भी आ गया, रेखाखंड की दूरी भी आपको पता है। तो दोनों में यदि आप भाग दे दोगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, चाल का। तो चाल का मात्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्र क्या होता है,
मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, इसका मूल मात्रक है। समय के मात्रक में इसमें सेकंड को लिया गया है, इसके लिए ये क्या है, मूल मात्रक है। इसके बाद देखो चाल मापी और पथ मापी। चाल मापी अपने अपने साधनों के अंदर देखा होगा कि गाड़ी के अंदर एक लगा रहता है मीटर, तो वो उसके क्या करती है, जो मतलब मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में जो दर्शाता है भी आपकी गाड़ी की स्पीड में चल रही है, तो वो क्या होती है उसकी चाल मापी। और पथ मापी जो दूरी को दर्शाता है कि आप इतने किलोमीटर आगे हो, जो तो गाड़ी को दर्शाता है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा में चल रही है, वो तो क्या होगी, चाल मापी। लेकिन जो दूरी को दर्शाता है कि आप इस घर से लेकर आप अब तक इतने किलोमीटर आगे हो, वो क्या होती है, ये वाला जो मीटर लगा होता है ये होती है पथ मापी। जो मीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं, पथ मापी कहते हैं। अब देखो समय का मापन, समय का मापन कैसे करते हैं कि एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहते हैं, दिन कहते हैं। समझ गए होगे आप कि एक सूर्योदय से मतलब आज सूर्योदय हुआ और कल सूर्योदय फिर होगा, तो ये दिन और एक रात मिलकर ये क्या है, एक दिन है। इसके बाद उसी तरह एक पूर्ण चंद्रमा से अगले पूर्ण चंद्रमा के बीच के समय को क्या कहते हैं, एक महीना कहते हैं। कि एक पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा पूर्ण गोल होता है। उसके बाद पुण्य चंद्रमा पूर्ण गोल कब होगा, अगली पूर्णिमा के दिन होगा। पूर्ण गोल कब होगा, अगली पूर्णिमा के दिन होगा। तो इसके बीच के समय को क्या कहते हैं, एक महीना कहते हैं। उसी तरह अपने पढ़ते हैं ना, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो वो एक परिक्रमा जब पूरी कर लेती है, तो एक परिक्रमा इससे लेकर वापस इसी जगह आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। तो सबसे जो छोटी इकाई है इसकी समय को मापने की, वो है घड़ी। मतलब दिन के छोटे समय के अंतरालों को मापने के लिए घड़ी का प्रयोग करते हैं। घड़ी अपने दिन में देखते हैं, अपने इस घड़ी के अंदर मिनट सेकंड घंटा सारी चीज़ें होती है। तो देखो जो समय के मात्रक हैं, सबसे छोटा जो और मूल मात्रक है वो क्या है, सेकंड है। समय का सबसे छोटा और मूल मात्रक क्या है, सेकंड है। सेकंड के अलावा मिनट घंटे में भी अपने समय को सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड है। फिर उसके बाद देखो मिनट भी है और घंटा भी है, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। मतलब 60 सेकंडों से मिलकर क्या बनता है, एक मिनट बनता है। और 60 मिनटों से मिलकर क्या बनता है, एक घंटा बनता है। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 3600 मिनट होते हैं। उसी तरह चाल के मात्रक सबसे मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन अन्य मात्रक भी होते हैं मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखो अपने इस पाठ में क्या सीखा, क्या पढ़ा, उसका सारांश है कि जो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहे हैं, कि कौन मंद है, कौन तीव्र है। इसके अंतर्गत अपने दो उदाहरण अलग अलग समझे थे कि अलग अलग मतलब चीज़ों की मंद और तीव्रता भी आप पहचान सकते हो, और एक ही वस्तु की अलग अलग स्थितियों में भी वह मंद व तीव्र गति करते हैं। और किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को, उस दूरी को चलने के लिए किए गए समय को विभाजित करने पर प्राप्त होती है। और इसका जो मूल मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है, और वस्तुओं को गति को उनके दूरी समय ग्राफ के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो आप अब तक जितना भी पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा कि समय, समय के मात्रक, चाल, तीव्र गति, मंद गति, एक ही स्थिति में तीव्र मंद और अलग अलग स्थितियों में तीव्र मंद, एक ही वस्तु की तीव्र मंद और अलग अलग वस्तुओं की तीव्र मंद। तो आपकी ये जो वीडियो पाठ है ये पूरा हुआ। धन्यवाद।